अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है आकिब इकबाल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तक। दोस्तों, मैं हूँ अभी सिवान के सदर अस्पताल के पास स्थित वेटनरी हॉस्पिटल में। दोस्तों, आपको मैं ये तस्वीरें जो आपके साथ मैं अभी साझा कर रहा हूँ, ये सिवान के वेटनरी हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साफ़ सफाई का यहाँ पे कितना ज़्यादा ध्यान रखा गया है। जल जमाव जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से है। आई थिंक कि ये पानी जो है कि हफ्तों नहीं बल्कि महीनों से जो है कि यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया है, कहीं से इसका निकासी का जो है कि रास्ता नहीं है। और बिल्डिंग्स देख रहे हैं आप, ये मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद की ये बिल्डिंग है और उसके बाद से मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का रिकंस्ट्रक्शन कराने का कोई काम किया गया है। दोस्तों, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको सिवान के वेटनरी हॉस्पिटल की। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जो है कि इसका परिसर है, पर मेंटेनेंस के नाम पे यहाँ पे जीरो बाटा सन्नाटा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, आप जहाँ भी आपकी नज़रें जाएँ, जितनी दूर भी आपकी नज़रें जा सकती हैं, आप वहाँ पर अपनी नज़रें उठा करके देख लें, जल जमाव ही आपको मिलेगा। दोस्तों, ये जल जमाव बीमारी को दावत देने का सबसे बड़ा रीज़न होता है। दोस्तों, गंदगी आप देख सकते हैं किस तरीके से है यहाँ पे, और जो पानी है यहाँ पे बरसात का पानी, आई थिंक कि ये है, और मुझे नहीं लगता कि ये हफ्तों नहीं बल्कि महीनों से यहाँ से ये निकल पाया है। जहाँ भी दोस्तों आपकी नज़रें जाएंगी, आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और बिल्डिंग्स का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि इस पर कभी, ये बनने के बाद से इस पर कभी ध्यान भी दिया गया है। एक गाय यहाँ पे बंधी हुई आपको दिख सकती है, जो कि यहाँ पता नहीं मुझे वो पानी से कैसे इधर से बाहर आती जाती होगी, या लोग वहाँ पे जाकर के उसको कैसे फीडिंग करने का काम करते होंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ सिवान के वेटनरी हॉस्पिटल की। दोस्तों, आइए, यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं या जो यहाँ के रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे किन किन सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे किन किन दवाइयों की जो है कि यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है लोगों को, और कौन कौन सी दवाइयाँ जो हैं यहाँ से सप्लाई दी जाती हैं, किस तरीके से यहाँ का सिस्टम जो है कि काम करता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। सर, मैं न्यूज़ इंडिया से आकिब इकबाल सिद्दीकी हूँ। आप बता सकते हैं सर कि यहाँ पे आप लोगों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? सर, यहाँ पे गंदगी बहुत देखी मैंने, स्ट्रक्चर जो है कि यहाँ पे वो काफ़ी खस्ता हालत में है। क्या वजह है सर इसकी, क्या रीज़न है इसका, क्यों नहीं इस पर ध्यान देती है सरकार, या आप लोग कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं इस चीज़ को लेकर के? सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे और अपना पद बताएंगे। आप न्यूज़ इंडिया से हैं जी, पत्रकार हैं, मैं पत्रकार से बात करने के लिए अधिकृत हूँ। अच्छा अच्छा, आप ये कर मुझसे बात। सर, आप बता सकते हैं कि कौन जनाब जो हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं, किन हिसाब से मैं बात कर सकता हूँ? क्या नाम है उनका? डॉक्टर इंदु सिंह। इंदु शेखर, धन्यवाद सर। दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया, डॉक्टर साहब ने, कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है बात करने के। और यहाँ पे डॉक्टर साहब को मैं दिखा रहा हूँ, वो शायद मुझे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं चुटकी बजा करके। मैं उनसे भी बात करूँगा, इंदु शेखर जी से, और आपको बताऊँगा दोस्तों कि यहाँ पे इतनी बदहाली क्यों है। बन के आएंगे तो दवा इलाज कराएंगे सर, नहीं पत्रकार बन सर, एक तो पत्रकार दवा नहीं ले सकता है क्या? ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता? तो सर, आप इसको स्टिंग क्यों कर रहे हैं? मैं तो यहाँ पे सर आप लोगों के लिए आया हूँ कि यहाँ पे जो बदहाली है सर, आप लोग इसका सामना कैसे करते हैं, चुनौतियों का सामना आप लोग कैसे करते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है, मैं तो आप लोगों की आवाज उठाने के लिए ना आया हूँ सर। गाइज, एज आई टोल्ड यू बिफोर लॉट्स ऑफ टाइम, कि एटीट्यूड लेवल जो होता है अधिकारियों का, अफसरों का, या फिर जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनका एटीट्यूड लेवल जो होता है वो किस तरीके का होता है, आई हैव टोल्ड यू अ लॉट्स ऑफ टाइम बिफोर, मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ। और इसी तरीके का कुछ जो है कि नेगेटिव एटीट्यूड मुझे देखने को मिला यहाँ पे, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे, मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी तो वो मुझ पर चढ़ गए। उनका ये कहना था कि आप एक पेशेंट के रूप में, मतलब कि आप यहाँ पे आए थे, आपने अपने पशु के लिए यहाँ पे मेडिसिन लेने के लिए पहले आपने पूछा, और जो है कि आप
स्टिंग करने लग गए। इन्हें ऐसा लगता है कि एक पत्रकार जो है वो कि वो मेडिसिन नहीं ले सकता है, और इसकी वजह से उन्होंने मुझसे जो है कि बात करने से मना कर दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको मैं सिवान के वेटनरी हॉस्पिटल की, और यहाँ पे मुझसे बात नहीं करा गया। जो अभी रिस्पॉन्सिबल बॉडीज थे उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर के जो है कि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जबकि उन्होंने ना ही मास्क पहन रखा था और ना ही उनके सामने जो सज्जन बैठे हुए थे ना ही उन्होंने मास्क पहन रखा था। और उन्होंने मुझे बताया कि आप कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करें और मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकता हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। न्यूज़ इंडिया तक से आकिब इकबाल सिद्दीकी, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।